दोस्तों ये वाला फिल्टर आपको लगाने में नहीं आ रहा होगा और ये लग नहीं रहा होगा, तो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इस फिल्टर को आपको किस तरीके से यूज करना है। तो सारा वीडियो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। उसमें तो आपको किसी भी वीडियो पर चले जाना है जिसमें ये इफेक्ट अप्लाई रहेगा, उसके बाद में आपको बिफोर आफ्टर स्कैन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप बिफोर आफ्टर स्कैन पर क्लिक करेंगे उसके बाद पॉपअप में आपको बिफोर आफ्टर स्कैन का ये पूरा इफेक्ट खुला मिल जाएगा। अब यूज़ इफेक्ट के टैब पर क्लिक करना है और आपके सामने ऐड मीडिया का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको ऐड मीडिया के टैब पर क्लिक करना है। जिस भी फोटो को आप लगाना चाह रहे हैं आपके ट्विंस के जैसा या जो भी आपको आफ्टर इफेक्ट में चाहिए उसको यहाँ से आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। अब उसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर कोई भी ऑडियो इस तरीके से यहाँ से ऑडियो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ऑडियो आप यहाँ पर इस तरीके से लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिए, जो भी ऑडियो, या आप ऑडियो वीडियो का ही ऑडियो रखना चाहते हैं तो आप उसको भी रख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको स्कैन करना है। कैसे स्कैन करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो है, अब इसको आप इस तरीके से देखिए, पुराना वाला ऑडियो आपका आ गया है। अब इसको प्रीव्यू कर लेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से देखिए आपका पुराना वाला ऑडियो भी आ चुका है और ये आपका नया वाला भी आ रहा है और इस तरीके से आपका ये पूरा वीडियो बन चुका है। तो इस वीडियो को बनाने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर ये पूरा बन चुका है वीडियो और इसको आप नेक्स्ट करके यहाँ पर